दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई जानकारी लेकर के। दोस्तों दुख होता है इस बात पर, जो बातें चैनलों के माध्यम से उठनी चाहिए वो बातें बड़े बड़े चैनल वाले नहीं उठाते हैं, और अगर इस बात को उठाया जाए जो बातें वास्तव में उठने चाहिए वो बात न करके कोई दूसरी बात होती है, मुद्दे को भटका करके, तब दुख होता है। दोस्तों आज हम उसी बात को दोहराएंगे जो बात आज सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। अगर होता तो उसे कहने की जरूरत चैनल के माध्यम से न पड़ती। दोस्तों वो बातें क्या हैं आगे हम बताएंगे दोस्तों, अगर ऐसा होता तो। इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आते हैं अपने न्यूज पर। दोस्तों सरकार को चाहिए था, कंपनी गलत कर रही थी, देश की सारी कंपनियां गलत कर रही थी तो बंद कर देती, कोई बात नहीं था। जिस प्रकार से नकेल कसना था कंपनियों के ऊपर कसती, वो जायज था। लेकिन इस बात को ध्यान में रखती कि निवेशक बेचारे क्या करेंगे, इन निवेशकों के ऊपर इतनी मुसीबत ना आती, इस बात को ध्यान रखा जाता। अगर सरकार इस बात को ध्यान रखती तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कंपनी चलाने वाले के ऊपर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। कंपनी के डायरेक्टर को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। अगर पूरा का पूरा फर्क पड़ा है तो एजेंट और निवेशक मारे गए हैं इन्हीं के ऊपर। इनको ध्यान नहीं रखा गया कि केवल गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे जाते होंगे अपने मंच से, और या खुद कहते होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि या गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों को ध्यान देने वाले हैं? अगर गरीबों को ध्यान देते तो इस प्रकार जो सिस्टम चला वो न चलता। आज हम सरकार को दोषी करार देते हैं कि अगर वो चाहे सरकार तो पैसा मिल सकता है, सभी निवेशकों को ब्याज सहित मिल सकता है। क्या वो जानते नहीं हैं? क्या इनको ज्ञापन नहीं दिया गया? ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी आज निवेशक मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार जानती है, सब कुछ जानती है। दोस्तों हम ये बात कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े चैनलों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाना चाहिए वो मुद्दा क्यों नहीं उठता है, इसके अलावा दूसरी बात क्यों की जाती है। जैसे कि हम कहना चाहते हैं पेमेंट शुरू किया गया जो कि गलत तरीका है, इसका हम बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? इस सिस्टम से पैसा हम लेना नहीं चाहते हैं। ये सारी रसीदों की मांग ये बेईमानी को दर्शाता है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों इसकी बात क्यों नहीं की जाती है कि हम इस प्रकार फार्म फिलअप करके जो पैसा देने की बात होती है ये सरासर गलत है, इनकार करें। अगर कोई संगठन बात करना चाहता है लोढ़ा कमेटी से, सेवी से, या सुप्रीम कोर्ट में वकील लगाना चाहता है तो इस बात पर क्यों नहीं लगाता? इस बात पर भी वकील लगाना चाहिए कि जो निवेशकों को अप्लाई करने के लिए रसीदें मांगी गई हैं, जो निवेशक फार्म फिलअप किए हैं उसमें जो पैसा रिटर्न की बात आती है तो बताएगा जितने आपके पास रसीदें होंगी
उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये सरासर गलत है, इसके खिलाफ वकील खड़ा करो। अगर जिसकी पहुंच है सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करना चाहता है इसके खिलाफ तो करे, ये सही है। इस बात को करना चाहिए, और क्यों नहीं, सारी संपत्तियां जब्त हुई इस बात पे करना चाहिए। लेकिन दुख इस बात की है कि इस सिस्टम से संबंधित कोई ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इससे तो सिद्ध होता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत निवेशकों को लूटा गया है। कोई संगठन या कोई इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, ये सोचने वाली बात है। एक तो सरकार गलती करती है, ऊपर से इस संगठन वाले भी गलती करते हैं। जिनके हाथ सुप्रीम कोर्ट तक हैं वो लोग निवेशकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर नहीं रहे हैं। दुख तो इसी बात का है। जब पेसेल का पेमेंट शुरू हुआ, पेसेल के फार्म भरे जाने लगे, बात आई कि सभी निवेशक अपने कागजात को संभाल के रखें, और जब फार्म फिलअप करने की बारी आई तो बताया गया कि जो जितना रसीदे देगा उसी रसीदों के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ये बेईमानी की शुरुआत हुई, और इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। पैसा मिलना चाहिए, बस यही हुआ। कब मिलेगा? जल्दी मिलेगा, लेकिन इस बात पर मुद्दा नहीं उठा, कोई भी आज तक भी नहीं उठा पा रहा है कि उठाए कि पैसा रसीद के आधार पर ना दिया जाए, बॉन्ड के आधार पर, जितना कंप्यूटर में सेव है उसी के आधार पर दिया जाए, और कितना सेव है, कितना डाटा आपके पास है, लोढ़ा कमेटी के पास प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के हिसाब से पारदर्शिता हो। पोर्टल पे दिखाए कि फला रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जब कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डाले तो उसका पूरा पैसा सो हो जाना चाहिए, मूलधन सो हो जाना चाहिए। इतना मूलधन लोढ़ा कमेटी के पास डाटा जो एकत्रित हुआ उसमें है, ये बात आनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों व्यवस्था नहीं की गई, ये बेईमानी है, इस पर आवाज़ उठना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं उठाया जाता है, कोई बात नहीं की जाती है, बल्कि ये कही जाती है अब बड़े पेमेंट के लिए हम आंदोलन करें, जो पेमेंट नहीं है उसके लिए हम कदम बढ़ाएंगे। अरे क्या खाक कदम बढ़ाया जाएगा, जो बात उठनी चाहिए वो बात नहीं उठाई जा रही है, तरीका गलत है, इस तरीके से पैसा लेने से डिनाई किया जाए, इस सिस्टम से पैसा नहीं लिया जाएगा, इस बात को मुद्दा बना जाए। दुख इस बात का है कि हम छोटे चैनल हैं, हमारा लोग वीडियो बहुत कम देखते हैं, मुश्किल से 400-500 व्यू एक वीडियो पर मिलते हैं, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि क्या सोच है, किस मकसद से वीडियो बनाते हैं। दोस्तों मेरा मकसद तो है कि बहुत लोग इस वीडियो को देखें, इसी कारण हमारे थंबनेल कुछ चेंज होते हैं कि ताकि बहुत से लोगों की आदत है वो केवल खुशखबरी सुनना चाहते हैं, बाकी कोई आइडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल खुशखबरी मिलना चाहिए उन्हें, बस खुशखबरी के आदि हैं। क्या प्रोसेस चल रहा है इस बात को जानना नहीं चाहते हैं, केवल वो डेट क्लियर करना चाहते हैं कि कब से पैसा मिलने वाला है, और बस यही उन्हें चाहिए, इसीलिए वो वीडियो यूट्यूब पे आके देखते हैं। और वो दुखी इस बात से होते हैं जब वीडियो के अंदर ऐसा खुशखबरी वाली कोई न्यूज नहीं मिलती। दोस्तों पेमेंट चाहे बड़े हों या छोटे हों, दोस्तों अगर पैसा रसीदों के आधार पर दिया गया तब पैसा निवेशक मारे जाएंगे, निवेशकों का पैसा पूरा नहीं मिलेगा, किसी का पैसा आएगा, किसी का पैसा नहीं आएगा, किसी का 4,000 जमा है तो 200 रुपये मिलेगा, किसी का 10,000 जमा है तो 5,000 रुपये मिलेगा, इसी प्रकार पैसा थोड़ा बहुत मिलकर अपने कॉलम को पूरा करेंगे। दोस्तों अगर सही कदम उठाना है तो अगर आप जानते हैं सोचते होंगे कि धरना प्रदर्शन से
संख्या बल दिखा करके संख्या बल दिखा करके हम सरकार को झुका लेंगे तो आपकी सोच गलत है, कुछ नहीं होने वाला है। होने तो बहुत होने वाला है, लेकिन लोगों की धारणा को कहाँ बदल पाओगे, जो कि बहुत कठिन लगता है। लोगों के अंदर एक धारणा है, एक सोच है, सरकार हमारी बहुत अच्छी है, यही कहते हैं। अगर गलत है तो कंपनियां गलत थी, एजेंट गलत थे, जो कि गलत तरीके से गलत जगह पैसा जमा करवा दिया, यही गलत धारणा है। और वो सरकार से किसी प्रकार की बगावत, सरकार को अपशब्द नहीं कहना चाहते हैं, वो खुशखबरी सुनना चाहते हैं और करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आज बहुत दुख है इस बात का कि हमारे देश में जीडीपी इतनी आर्थिक स्थिति गिर चुकी है सरकार की गलत नीतियों के कारण। इसीलिए हम निशाने पर सरकार को बार बार लेते रहते हैं। दोस्तों, सारी कंपनियां गलत हो गई क्या? दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों, एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई जानकारी लेकर के। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पीएसएल में बहुत बड़ी बेईमानी हुई है और ढंग से बेईमानी हुई है, लूटम लूट मची है। अगर हम इसे किसी भी तरह की श्रेणी में बेईमानी में गिने तो सब तरह की श्रेणी में बेईमानी में आता है दोस्तों। और बेईमानी तभी साबित हो जाती है जब ये कहा जाता है कि बांड के साथ साथ रसीदें देना है आपको, और सभी रसीदें देना है। जो रसीदें आप अपलोड करेंगे वो रसीदें धुंधली नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और जितनी रसीदें आप देंगे उतने का पैसा मिलेगा, तभी से बेईमानी होने लगती है। दोस्तों, इनको ये नहीं पता कि रसीदें बेचारे निवेशक कहाँ जोगे कर रखेंगे, फट जाती है, गुम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, उसमें प्रिंट अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। एक बैंक की कॉपी होती है उसमें प्रिंट होता है तो वो तो दिखाई नहीं पड़ता, हल्के हल्के अक्षर रहते हैं उसके, फोटो कॉपी का वो स्पष्ट नहीं आती, और रसीदें तो एकदम बेकार थी दोस्तों। तो उनको ये मांगती है और वेरिफिकेशन इस कदर कर रही है, जांच इस कदर कर रही है जैसे कि 5,000 वाले अमाउंट का जो वेरिफिकेशन किया गया, सारे के सारे गलती निकल गए, सही हो ही नहीं पाए, सब के सब गलती निकल गए। कुछ 2,77,000 निवेशकों को पैसा रिटर्न किया गया, वो भी रसीदों के आधार पर, जो रसीदें उन्हें स्पष्ट लगी, सही लगी, डाउनलोड जो फिलअप किया गया है, फार्म भरे गए हैं, उसमें जो रसीदें उन्हें अच्छी लगी, समझ में आया, उन रसीदों का पैसा दिया, उनमें से भी काट दिया। दोस्तों, ये इनका मकसद क्या है? दोस्तों, इनका मकसद ये है जो 60,000 करोड़ देनदारी मूलधन की बात जो आ रही थी, ये केवल 3-4 हजार करोड़ में निपटाने का सिस्टम इन्होंने बना लिया है मिलजुल कर। मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें पीएसएल का मैनेजमेंट, सेबी, लोढ़ा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सब आपस में मिल करके इस सिस्टम को चला रहे हैं। इसीलिए ये बोल रहे हैं रसीदों को लागू कर दो। ये रसीदें अनुमन जो है लोगों के पास, रसीदें कहाँ रहेंगे ही नहीं, बार बार निकाल देते थे, बता देते थे कि अपने कागजातों को सुरक्षित जगह कर रखें, किसी को देना नहीं। तो दोस्तों, ये तो पक्की बात है, रसीदें सभी किसी के पास रहती नहीं है। एक एक रसीदों को साइट पर लोड करना बड़ी मुश्किल का काम है। अगर कोई किसी तरह लोड भी करवा देता है तो ये सीबी वाले जांच के दौरान रिजेक्ट कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए कि जब एजेंट पीएसएल में पैसा जमा करवाता था तो उस समय जब लेने की बात आती थी पैसा, तो उसमें आईडी वेरिफिकेशन ठीक से जो कर्मचारी वहां काम करते थे वो
फोटो नहीं है, दूसरे का फोटो लगा दिए चल गया, एड्रेस सही नहीं है तब भी चल गया, ये नहीं कहते थे कि आगे चल के मेच्योरिटी में दिक्कत होगी। इस बेस को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, सेबी ने, लोढ़ा कमेटी ने या मैनेजमेंट ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि इस बेस पर भी चिंता करने की जरूरत है कि अगर इस प्रकार से जांच की जाएगी तो पीएसएल का पेमेंट किसी को मिल ही नहीं पाएगा, वो तो 3-4 हज़ार करोड़ में ही निपट जाएगा, बाकी पैसा सेबी, लोढ़ा कमेटी, मैनेजमेंट सारे सिस्टम मिलकर खा जाएंगे, ये सिस्टम उनका था। यस था दोस्तों, आगे हम बताएंगे अब क्या हुआ है इसको बताएंगे। इसको बताने से पहले दोस्तों हम चाहेंगे जो पहली बार चैनल पर न्यू देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज मिलते रहे, और सब्सक्राइब किए हुए सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन 5,000 का जब बताया उन्होंने, 2,77,000 निवेशकों का पैसा हमने रिटर्न कर दिया, उससे पहले से भी द जियो न्यूज पीएसएल मैटर एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला है, उसने भी कुछ लोगों ने जो कि पैसा दिलाने के लिए संघर्षरत हैं, सही तरीके से पैसा दिलाने के लिए पैसे पीएसएल के निवेशकों के लिए संघर्षरत हैं, और उनके मेहनत संघर्ष के कारण जो आज सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठा, आज उनको भी बोलना पड़ा जो बेमानी की सारी हदें पार कर गए थे और इस प्रकार के मेच्योरिटी के लिए सिस्टम बना करके आदेश रूप में सुप्रीम कोर्ट से आ गया, आज वो भी बोल रहे हैं। जैसे मनदीप काजला ने क्या कहा, मनदीप काजला ने कहा कि सभी जमीनें सस्ते दामों में ना बेची जाएं और महंगे दामों में बेची जाए, क्योंकि कृषि योग्य जमीन डेवलपमेंट हो गई है इतने समय में और अच्छी से अच्छी कीमत में जाना चाहिए ताकि प्रत्येक निवेशक का पैसा मिल जाए, अब ये बोल रहे हैं। और इसी प्रकार के कुछ बयान जो है सुनंद कदम के भी हैं, तो दोस्तों अब इस प्रकार के बयान दे रहे हैं दोस्तों, ये उन लोगों के मेहनत का नतीजा है जो इस प्रकार के बयान आए हैं। इससे पहले क्या इनको पता नहीं था कि किस प्रकार से जमीनें बिक रही हैं और कितना जमीन सेबी के और लोढ़ा कमेटी के अंडर में है, आज भी चेत जाएं और इन लोगों से निवेदन है सभी लोगों का पैसा दिलाएं। आज भी द जीरो न्यूज पीएसएल मैटर लीगल कार्रवाई कर रहा है जिसके चलते बेमानों की फट रही है और सुप्रीम कोर्ट में लीगल कार्रवाई के चलते अब कदम अच्छी तरीके से उठेगा दोस्तों, उसमें कोई शक नहीं है, और प्रत्येक निवेशक का पैसा मिलना चाहिए वो भी ब्याज के साथ दोस्तों ब्याज के साथ मिलना चाहिए। अगर ब्याज के साथ नहीं मिलता है तो अभी बहुत बड़ी धोखा होगी, और सर्वप्रथम एक बात के लिए बहुत जोर देना चाहिए, वो ये बात कि 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 के डेटों में जो कलेक्शन हुआ है उसका सेबी ने भी कह दिया है कि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है, जो पहले का डाटा है उसे सार्वजनिक नहीं कर रही है, प्रत्येक निवेशक का कितना पैसा जमा है, कितना सेबी के पास है या नहीं है, ये भी निवेशकों को पता नहीं है। तो पहली रिक्वेस्ट है कि सभी निवेशकों का अपने साइट पर बेकायदे एक एक रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा जमा है लोग जान पाए, इसकी व्यवस्था की करा जाए, चाहे रजिस्ट्रेशन के नंबर के डालने के बाद पता चले या पूरी पीडीएफ फाइल हो, लोग उस पीडीएफ फाइल को देख करके ये पता कर सकें कि हमारा इतना पैसा है, थोड़ा सुकून तो हो कि हाँ इतना पैसा है, इतना कंपनी देगी। और ये जो व्यवस्था की गई है, हम चाहते हैं और हमारे निवेशक चाहते हैं, पीएसएल के एजेंट और निवेशक सभी लोग यही चाहते हैं कि जो रसीदों के बात की जाती है, रसीदों के हिसाब से पैसा देने की बात की जाती है, इसे वापस लें। इस प्रकार से पैसा हम लोगों को नहीं चाहिए, रसीदों के हिसाब से पैसा नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है, जो गलत तरीके से गलत नाम, गलत एड्रेस, गलत सब कुछ होते हुए पैसा निवेश हुआ है और
आज मैचिंग करा करके पैसा देने की बात जो होती है ये गलत है। इस प्रकार से सेबी का फायदा होगा, लोढ़ा कमेटी का फायदा होगा और मैनेजमेंट का फायदा होगा और निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा, ये स्पष्ट है दोस्तों। क्योंकि अगर वो मैचिंग कराएंगे, किसी ने साइन किया है या पैसा जमा करते समय उस समय औंठा लगा दिया, आज फार्म भरते समय साइन कर दिया, क्योंकि औंठा किसने लगाया, अंगूठा लगाया कि साइन किया, ये पता निवेशक को भी नहीं है। फार्म भरवाते समय दोस्तों, जब पीएसएल में जमा पैसा हुआ तब साइन किया है कि अंगूठा लगाया है, इसका भी ध्यान किसी को नहीं है कि ये कि एजेंट ने साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया। आज उस मैचिंग को मैच करके पैसा देने की बात अगर आएगी दोस्तों, तब भी लोग पैसा नहीं पाएंगे दोस्तों, कई कारणों से लोगों का पैसा फंस जाएगा। मेरी अपील यही है कि या तो पीएसएल अपने तरीके से खुद पैसा देती, और या तो अगर सेबी के माध्यम से कमेटी बनकर दे रही है तो उस बात का ध्यान रखकर पैसा दे, ताकि सभी लोगों का पैसा मिल जाए दोस्तों, नहीं तो पैसा नहीं मिल पाएगा। जितना सेबी, जितना रिकॉर्ड में है सेबी के पास, लोढ़ा कमेटी के पास, उस रिकॉर्ड के हिसाब से सभी निवेशकों का पैसा वापस करे, निवेशक यही चाहते हैं। और देने से पहले अगर आपकी साइट दोबारा चालू होती है तो सेबी वालों से कहना चाहते हैं, लोढ़ा कमेटी वाले से कहना चाहते हैं, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कर्मचारी हैं, और फिलहाल वीडियो जाती ही होगी, देखते ही होंगे, लेकिन बार बार यही रिक्वेस्ट है कि इसे सार्वजनिक कराया जाए, इसे पोर्टल पर जितने निवेशक है प्रत्येक रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा सेबी के पास है इसका ओपनिंग किया जाए, और रसीदों की जो मांग है, रसीदों की मांग ना हो, रसीदों की मांग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर रसीदों की मांग होती है तो यह सरासर बेमानी है दोस्तों। और एक बात और कहना चाहता हूं, द जियो न्यूज पीएसएल मैटर ने जिस तरीके से तैयारी करके लोगों को तैयार कर रहा है और लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहा है, वही पैसा दिलाने के सिस्टम में अग्रणी है, इस बात को मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं केवल वही हैं, और भी हैं जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं।